खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा में आयोजित भर्ती रैलियां होंगी, ये अग्निपथ योजना के तहत बड़ी खबर है। भर्ती रैलियां होंगी, हिसार में आयोजित होगी पहली भर्ती रैली जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक भर्ती रैली होगी, ये जानकारी जनता टीवी पहुंचा रही है। मुख्य सचिव ने रैली की तैयारी की समीक्षा भी कर ली, पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। हरियाणा में आयोजित होगी भर्ती रैलियां और इसको लेकर सरकार पूरी तैयार है। अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां होंगी सेना के अंदर। हिसार में पहली भर्ती होगी जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे कि कब होगी। पहले से ही तारीखों का ऐलान हो गया था, 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच होगी, तैयारी भी हो गई। मुख्य सचिव ने रैली की तैयारियों की समीक्षा भी कर ली, यानी कि तैयारियां पूरी हो गई प्रशासन की तरफ से। अब भर्ती की रैलियां होंगी और उसमें अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत ये भर्ती की गई। दरअसल केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना चलाई है और इसी योजना के तहत अब तैयारियां हो रही है। पवन सिवर चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन सिवर, अग्निपथ योजना को लेकर पूरी तैयारियां सरकार ने कर ली? जी बिल्कुल, अग्निपथ योजना को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी प्रदेश में की है और इसी कड़ी में अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा में भर्तियां जो है वो आयोजित की जा रही है। पहली भर्ती हिसार में 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद आगामी जो भर्तियां हैं वो आयोजित की जाएगी, जिनमें अंबाला, भिवानी और रोहतक में आगामी भर्तियां होनी है, लेकिन पहली भर्ती हिसार में 11 से 25 अगस्त को होगी। और आज हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और चार जो जिले हैं जिनमें भर्तियां होनी है, अंबाला, हिसार और इनमें जो है वो रोहतक और भिवानी, यहाँ के जिला उपायुक्त के साथ चर्चा की है, तैयारियों का जायजा लिया है और 2022-23 की इन भर्तियों की तैयारी को लेकर एक जो है वो बैठक महत्वपूर्ण ये हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पवन सिवर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ थे। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लागू की और इसके तहत सेना में भर्ती होगी। कई राज्यों में विरोध हुआ लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी की है। हिसार में पहली भर्ती रैली होगी, समीक्षा भी इसको लेकर तैयारियों की हो चुकी है, 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में होगी। जनता टीवी भी उन लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा है जिनको इंतजार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती का है।